हेलो गाइस, वेलकम टू टेक डेज। आज हम बात करेंगे Redmi Note 7 Pro की और Vivo V15 Pro की और कंपेयर करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स को। जैसे कि आप जानते हैं, Xiaomi ने आज Redmi Note 7 Pro लॉन्च कर दिया इंडिया में, जो आपको 13 मार्च से मिलेगा। इसके अलावा Vivo V15 Pro भी लॉन्च हो चुका है, जो 6 मार्च से ऑनलाइन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स में थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ हैं, अगर हम प्रोसेसर की बात करें, इनबिल्ट स्टोरेज की बात करें, रैम की बात करें, पर प्राइसिंग में काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी है कि Redmi Note 7 Pro लिया जाए या फिर Vivo V15 Pro लिया जाए। तो यहाँ पर हम इन दोनों स्मार्टफोन्स को कंपेयर करेंगे, जानेंगे कि ये किस तरह से सिमिलर हैं, किस तरह से अलग हैं, क्या जो ये प्राइस डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन्स में वो जस्टिफाइड है, और आपको अगर एक फ़ोन लेना है इन दोनों में से तो आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स की सिमिलैरिटीज़ की। तो अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर। इसके अलावा रैम की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 6GB की रैम मिलती है, और इनबिल्ट स्टोरेज की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। हालांकि Redmi Note 7 Pro एक छोटे वेरिएंट में भी आता है, जिसमें आपको 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, पर क्योंकि हम इसे कंपेयर कर रहे हैं Vivo V15 Pro के साथ, जिसमें 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज है, तो हम जो इसका हाई एंड वेरिएंट है सिर्फ उसको कंपेयर करेंगे Vivo V15 Pro के साथ। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन्स में आपको Android 9 मिलता है, Vivo V15 Pro में आपको फ्रंटच ओएस मिलता है, जबकि Redmi Note 7 Pro में आपको MIUI मिलता है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन्स में आपको फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी मिलती है। रियर कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी दोनों स्मार्टफोन्स आपको देते हैं 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस। हालांकि दोनों जो स्मार्टफोन्स हैं उनके रियर कैमरा सेटअप में और जो प्राइमरी लेंस का जो सेंसर है उसमें थोड़ा फर्क है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के डिफरेंसेस की। तो जो Vivo V15 Pro और Redmi Note 7 Pro में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इनके प्राइसिंग का। Vivo V15 Pro, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 29,000 का लॉन्च हुआ है और HDFC का कैशबैक डिस्काउंट चल रहा है, जिससे जो इसका इफेक्टिव प्राइस है वो बन जाता है 27,500 31 मार्च तक। तो अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो आपको ये 27,500 में मिल रहा है Vivo V15 Pro, जबकि जो Redmi Note 7 Pro है इसकी जो इन्होंने प्राइसिंग रखी है काफ़ी अग्रेसिव रखी है। जो 6GB और 128GB वाला मॉडल है उसका प्राइस इन्होंने रखा है 17,000 रुपये, जबकि 4GB और 64GB वाला जो वेरिएंट है उसका प्राइस इन्होंने रखा है 14,000 रुपये। तो यहाँ पर अगर हम 6GB और 64GB वाले वेरिएंट की बात करें तो जो दोनों स्मार्टफोन्स हैं Vivo V15 Pro और Redmi Note 7 Pro, इनके बीच में जो इफेक्टिव प्राइस का डिफरेंस है वो हो जाता है 10,500 से लेकर 12,000 तक। तो अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो आपको जो प्राइस डिफरेंस मिलेगा दोनों में वो है 10,500 रुपये, नहीं तो 12,000 रुपये का दोनों स्मार्टफोन्स में फ़र्क है। दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी डिफरेंस है। Vivo V15 Pro में आपको मिलता है 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, फुल व्यू डिस्प्ले है, कोई भी नॉच नहीं है, स्क्रीन टू बॉडी रेशो काफ़ी अच्छी है, जबकि Redmi Note 7 Pro में आपको मिलती है 6.3 इंच की LCD डिस्प्ले। हालांकि जो दोनों स्मार्टफोन्स हैं इनकी जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD प्लस है। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि सुपर एमोलेड जो डिस्प्ले होता है वो थोड़ा सा बेटर होता है LCD से, चाहे व्यूइंग एंगल्स की बात करें, कॉन्ट्रास्ट की बात करें, कलर्स की बात करें, या फिर डायरेक्ट सनलाइट में उसकी ब्राइटनेस की बात करें। तो यहाँ पर जो Vivo V15 Pro का डिस्प्ले है मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि एक तो वो फुल व्यू डिस्प्ले है, कोई भी नॉच नहीं है, काफ़ी अच्छा लगता है, ऊपर से वो सुपर एमोलेड है। तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में मेरे हिसाब से Vivo V15 Pro का डिस्प्ले थोड़ा सा बेटर है Redmi Note 7 Pro से। Redmi Note 7 Pro का भी डिस्प्ले बुरा नहीं है, LTPS LCD डिस्प्ले है, जो थोड़ा सा एनर्जी एफिशिएंट होता है और हीट कम प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू अदर LCDs जो हमें दूसरे स्मार्टफोन्स में देखने को मिलती है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ा डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन्स में। Vivo V15 Pro में आपको 32 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा मिलता है, जबकि Redmi Note 7 Pro में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है नॉच के अंदर। रियर कैमरा की बात करें तो यहाँ पर भी सेटअप थोड़ा अलग है। Vivo V15 Pro में आपको ट्रिपल कैमरा सिस्टम मिलता है, एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, जबकि Redmi Note 7 Pro में आपको एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है और एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल रहा है। दोनों स्मार्टफोन्स में जो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है इसके सेंसर्स में थोड़ा डिफरेंस है। Redmi Note 7 Pro में आपको सोनी का IMX586 सेंसर मिलता है, जो उसका सेंसर साइज है वो भी थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू Vivo V15 Pro। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि लो लाइट फोटोग्राफी Redmi Note 7 Pro की थोड़ी सी बेटर होगी एज कम्पेयर टू Vivo V15 Pro। इसके अलावा Xiaomi की वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन है कि
Redmi Note 7 Pro में आपको रियर कैमरा में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाईजेशन मिलती है, जबकि Vivo की जो वेबसाइट है वहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है, Flipkart पर भी मेंशन नहीं है कि Vivo V15 Pro में आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाईजेशन मिलती है। हालांकि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाईजेशन है, पर अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाईजेशन होती तो कंपनी क्लियरली स्पेसिफाई करती वेबसाइट पर या फिर Flipkart पर कि इसमें EIS है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी काफी डिफरेंस है। Redmi Note 7 Pro में आपको ग्लास बिल्ड मिलती है, आगे भी पीछे भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, जबकि Vivo V15 Pro में आपको प्लास्टिक बैक मिलता है और फ्रंट में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सा गोरिल्ला ग्लास यूज किया गया है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि क्योंकि Vivo V15 Pro प्लास्टिक का बना हुआ है और Redmi Note 7 Pro ग्लास बिल्ड है, पर दोनों का जो वेट है वो तकरीबन सेम है, 185-186 ग्राम। इसके अलावा इन दोनों स्मार्टफोन्स के फिंगरप्रिंट स्कैनर में भी फर्क है। Vivo V15 Pro में आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जबकि Redmi Note 7 Pro में आपको एक फिजिकल सेंसर मिलता है पीछे की तरफ। तो यहां पर कुछ कंज्यूमर्स के लिए जो फिजिकल सेंसर होता है पीछे, ये उनको ज्यादा फास्ट लगता है, जबकि कुछ कंज्यूमर्स को जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये थोड़ा ज्यादा मॉडर्न लगता है। तो लोगों की अपनी अपनी लाइकिंग है, अपनी अपनी प्रेफरेंस है। बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो Vivo V15 Pro में आपको मिलती है 3700 mAh की बैटरी, जबकि Redmi Note 7 Pro में आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी। तो बैटरी कैपेसिटी में 300 mAh का फर्क है, पर क्योंकि Vivo V15 Pro में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है जो थोड़ा ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू LCD डिस्प्ले, तो यहां पर जो बैटरी बैकअप होने वाला है दोनों स्मार्टफोन्स का, मेरे हिसाब से कोई ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नहीं होने वाला है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा। Vivo V15 Pro आपको मिलता है दो कलर ऑप्शंस में, ब्लू और रेड, जबकि Redmi Note 7 Pro आपको मिलेगा तीन कलर ऑप्शंस में, ब्लू, रेड और ब्लैक। इसके अलावा एक और जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन्स में वो है यहां पर चार्जिंग पोर्ट का। Vivo V15 Pro में आपको अभी भी माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, जबकि Redmi Note 7 Pro में आपको USB टाइप सी पोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा दो तीन छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं दोनों स्मार्टफोन्स में, जैसे Vivo V15 Pro में आपको ईयरफोन्स मिलेंगे बॉक्स में, जबकि Redmi Note 7 Pro में आपको ईयरफोन्स नहीं मिलेंगे। Redmi Note 7 Pro में आपको IR ब्लास्टर मिलता है जिससे आप अपने फ़ोन को रिमोट कंट्रोल बना सकते हैं। इसके अलावा Redmi Note 7 Pro में आपको P2i की नैनो कोटिंग मिलती है जो इसे थोड़ा सा स्प्लैश रेजिस्टेंट बना देती है। हालांकि P2i को हम IP67-68 से कंपेयर नहीं कर सकते, पर यहां पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको मिलती है Redmi Note 7 Pro में एज कंपेयर टू Vivo V15 Pro। तो ये तो होगी बातें कि ये दोनों स्मार्टफोन्स किस तरह से सिमिलर हैं, किस तरह से अलग हैं। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों फोन्स किस तरह से बेहतर हैं एक दूसरे से। तो अगर Vivo V15 Pro की बात करें तो ये बेहतर है Redmi Note 7 Pro से नंबर वन डिस्प्ले के मामले में, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, फुल व्यू डिस्प्ले है, कोई भी नॉच नहीं है, जबकि Redmi Note 7 Pro में LCD डिस्प्ले मिलता है नॉच के साथ। इसके अलावा Vivo V15 Pro की जो हाईलाइट है वो है इसका पॉपअप कैमरा। उसके अलावा जो पॉपअप कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है, जबकि Redmi Note 7 Pro में आपको एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है नॉच के अंदर। इसके अलावा रियर कैमरा सेटअप भी थोड़ा सा बेटर है Vivo V15 Pro में, क्योंकि इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है और एक एडिशनल 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिल रहा है। इसके अलावा एक और जो हाईलाइट है Vivo V15 Pro की वो है इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो थोड़ा सा मॉडर्न है एज कम्पेयर टू फिजिकल सेंसर। अब तो सैमसंग S10 में भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आ गया है। तो यहाँ पर ये चार चीज़ें हैं जो Vivo V15 Pro को बेहतर बनाती हैं Redmi Note 7 Pro से। अब बात करते हैं कि Redmi Note 7 Pro किस तरह से बेहतर है Vivo V15 Pro से। सबसे पहली जो चीज़ है वो है बिल्ड क्वालिटी। Redmi Note 7 Pro ग्लास बिल्ड के साथ आता है जो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगता है एज कम्पेयर टू Vivo V15 Pro। इसके अलावा जो रियर में 48 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी लेंस है वो मुझे लगता है Redmi Note 7 Pro का थोड़ा बेटर है, क्योंकि सोनी का सेंसर है तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस वहाँ पर ज़्यादा आपको अच्छी मिलेगी एज कम्पेयर टू Vivo V15 Pro। इसके अलावा Redmi Note 7 Pro में आपको USB टाइप सी पोर्ट मिलता है और IR ब्लास्टर मिलता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े डिफरेंस की, जो Redmi Note 7 Pro को बेहतर बना देता है Vivo V15 Pro से, वो है इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच का प्राइस डिफरेंस। तो अगर हम 6GB और 128GB वेरिएंट की बात करें तो Redmi Note 7 Pro 10.5 से लेकर 12,000 रुपए सस्ता है Vivo V15 Pro से। तो अगर हम प्रोसेसर की बात करें, डिस्प्ले साइज की बात करें, रैम की बात करें, इनबिल्ट स्टोरेज की बात करें, तो दोनों स्मार्टफोन्स काफी सिमिलर हैं। तो यहां पर जो ये 10.5 से 12,000 रुपए का डिफरेंस है ये काफी बड़ा लगता है मुझे, अगर मैं इनकी स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करूं। तो यहां पर अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं 5-10 दिनों में और आप कंफ्यूज्ड हैं Redmi Note 7 Pro और Vivo V15 Pro के बीच में, तो मैं यहां पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर कीजिए। अगर आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले ही चाहिए, इनबिल्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर ही चाहिए और पॉपअप कैमरा से आप
काफी इंप्रेस हुए हैं, तो फिर Vivo V15 Pro आप ले सकते हैं। पर अगर आपके लिए बजट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ढूंढ रहे हैं एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, तो मेरे हिसाब से 10,500 से जो 12,000 का जो डिफरेंस है प्राइस में, ये काफी बड़ा है। तो यहाँ पर क्लियरली Redmi Note 7 Pro ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और आपको कंसिडर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा कंपेरिजन Redmi Note 7 Pro और Vivo V15 Pro के बीच में। आई होप आपको ये कंपेरिजन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में से कौन सा लेते। अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो आप कौन सा लेंगे, या फिर अगर आप नहीं भी लेना चाहते तब भी आप बताइए कि इन दोनों में से आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा बेहतर है और कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।